नमस्कार, मैं नियाज खान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हर दिन नए नारे आ रहे हैं, एजेंडे बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं। अब्बा जान, भाई जान और जिन्ना के बाद अब हिंदू हिंदुत्व की बहस छिड़ी हुई है और इसी बीच अब महात्मा गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने का आरोप अभी तक सिर्फ बीजेपी पर लगता रहा है, लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद को असली हिंदू बताकर हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं और महात्मा गांधी और गोडसे के विचारों को डिफाइन कर रहे हैं। वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महात्मा गांधी को याद करने लगे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। राहुल गांधी ने जयपुर की महंगाई रैली से हाल ही में एक बड़ी लकीर खींची थी। राहुल ने हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क बताते हुए बीजेपी को घेरा था। राहुल ने कहा था, मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। रैली में आए लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। राहुल ने खुद को तो हिंदू बताया ही था, साथ ही ये भी समझाया था कि कौन लोग हिंदू हैं और कौन हिंदुत्ववादी हैं। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा। हिंदू, दूसरी तरफ नथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू के छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली मारी। सुना आपने राहुल गांधी किस तरह हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझा रहे हैं। उनका कहना है कि महात्मा गांधी हिंदू थे जबकि गोडसे हिंदुत्ववादी था। हिंदू सत्य को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रह है, पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी, माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुवादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। इस तरह राहुल ने महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझाया। साथ ही राहुल ने यह भी कह दिया कि हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा देते हैं और 2014 से जो पार्टी सत्ता में है वो हिंदुत्ववादी है। यानी राहुल ने साफ कहा कि जो लोग गांधी के हत्यारे थे वो हिंदुत्ववादी थे और आज जो सत्ता में हैं वो भी हिंदुत्ववादी हैं, लिहाजा इन्हें सत्ता से बाहर करना है। इस तरह राहुल ने इस नारे को चुनावी एजेंडा भी बना लिया है। आजकल देश में धर्म की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, हो रही है पूरे देश में। तो हिंदू क्या होता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं, हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में,
क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। दरअसल राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और बीजेपी को उसके ही राजनीतिक मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट से कम नहीं होगा और हिंदू हिंदुत्ववादी के नाम पर चुनावी प्रयोग कितना कारगर साबित होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। राहुल गांधी जब अमेठी की पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे तो यहां भी उनका पूरा फोकस इसी बात पर रहा। राहुल ने अमेठी की धरती से नारा दिया कि जो सच्चाई के लिए लड़े वो हिंदू और जो नफरत फैलाए वो हिंदुत्ववादी है। वहीं हालात को भांपते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी के सबसे बड़े हथियार को बीजेपी ने अब कुंद करना भी शुरू कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। रविवार यानी कि 19 दिसंबर को योगी गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का गुणगान किया और साथ ही कहा कि काशी की ये खूबसूरती देखकर महात्मा गांधी बहुत खुश होते। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया था कि गांधी जी 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आए थे और उद्घाटन समारोह के दौरान उनको काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां की तंग गलियों को और उन गलियों में व्याप्त गंदगी को देखकर के बहुत तीखी टिप्पणी महात्मा गांधी ने की थी। उस समय राष्ट्रपिता का संबोधन उनको नहीं मिला था, नए भारत की राजनीति में नए नए आए थे और उस समय उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी, इतनी तीखी टिप्पणी की थी। अगर महात्मा गांधी जी के उस ऑडियो को आप सुनेंगे आपको भी लगता होगा कि क्या वास्तव में काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर इस प्रकार की तंग गलियों और गंदगी से भरा पड़ा रहा होगा। उस समय काशी की आबादी इतनी ज्यादा नहीं रही होगी लेकिन गंदगी तब भी थी, अव्यवस्था थी, मक्खियां भिन भिना रही थी, तंग गलियां थी। याद करिए 100 वर्ष पहले 1916 में। लेकिन आज आप जाइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी खुश हो रहे होंगे कि जो बात मैं उस समय बोलता था प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस परिकल्पना को साकार कर दिया काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से। यानी सीएम योगी ने भी वक्त की नजाकत को भांपते हुए विकास कार्यों के सहारे महात्मा गांधी की खुशी का जिक्र किया और संदेश देने की कोशिश की कि योगी का हिंदुत्व महात्मा गांधी के हिंदुत्व से अलग नहीं है। दरअसल गोडसे के नाम पर अक्सर भाजपा नेताओं या उससे जुड़े लोगों को असहज स्थिति में देखा जाता है। शायद यही वजह है कि राहुल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हिंदू और गोडसे को हिंदुत्ववादी बताकर बीजेपी के धर्म के एजेंडे को टारगेट करने की कोशिश की, जिसके जवाब में बीजेपी गांधी के सपनों को विकास कार्यों से पूरा करने की बात का हवाला दे रही है। अब देखना ही होगा कि अब गांधी के एंट्री के बाद यूपी चुनाव किसके पाले में जाता है।